अपनी फ्रेंड की हेल्प करोगे ना? नहीं पापा, टाइम कहाँ है मेरे पास? बेटा तुम्हें तो पता है गंगा के अंगूठे में चोट आई। नहीं बाबू, हमारे लिए सागर से विनती मत करो, हमें नहीं चाहिए इसकी मदद, हम खुद लिख लेंगे। क्यों तू हाथ जोड़कर सबसे मिन्नत कर रहा है? लड़की अगले साल परीक्षा दे देगी, फिर स्कूल चली जाएगी, उसमें क्या रखा है? नहीं अम्मा जी, इसी साल पढ़ेंगे हम और परीक्षा भी देंगे और पास भी हो जाएंगे। मैं वो हर तरीका अपनाऊंगी जिससे ये लड़की पढ़ाई से दूर रहे। तू अकबर बन जा और मैं अकबर का बेटा हुमायूं बनता हूँ। ये हुमायूं का ही बोलता करे? बुद्धू नहीं है हम, सब समझते हैं। घुमा फिरा के हमारी मदद कर रहे हो ना? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आश्रम में तुम लोगों ने भगवद गीता का पाठ रखा है, सब परिवार बुलाया है। मैं चलती हूँ। हाँ, आ जाएंगे हम लोग संध्या। की बात कर रहा था मैं तो सिर्फ। हाँ ठीक है, तू बाहर जाना, मैं देख लूंगी। हाँ सागर, सागर, सागर मेरे बच्चे, हाय, उस लड़की ने तेरे साथ कैसे बात की? मैंने सब सुन लिया, सब देख भी लिया, समझती क्या है वो? सागर, ऐसे तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी बात नहीं करता। हमारे घर में रहती है, हमारा खाती है और हम ही को आंखें दिखाती है। अव्वल तो किसी की मदद ही नहीं करती, और अगर करती है तो कितना एहसान जताती है। एक रुपए की औकात नहीं उस लड़की की। और सब में देखो, तुम्हारा और मेरे प्रिंस का मुकाबला करने चली। इसलिए तो मैंने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया मामी। बहुत अच्छा किया। और सुन, कभी उसकी मदद मत करना, अगर तुमने उसकी मदद की ना तो भी वो फेल हो जाएगी। और इल्जाम किस पे आएगा? सागर पे, कि मैं सागर के वजह से फेल हुई हूँ, है ना? वही भरोसा नहीं है उस लड़की का। सही बोल रहा मामी, अब मैं गंगा की हेल्प करूंगा ही नहीं, चाहे कोई कितना भी बोल ले। अब आएगा असली मजा। उस लड़की के पास होने का कोई चांस नहीं। इस तरफ, इस तरफ। अरे मुरारी, बीच में। खाना नहीं खाना तूने अब तक? बाद में खा लेंगे महाराज जी, पहले अम्मा जी का पूजा का काम खत्म कर ले, फिर पढ़ाई करनी है उसके बाद। गंगा, चलो चलो बैठो, छोड़ो किताब, बैठ यहाँ, बैठो। चुप, कब तक भूखी रहेगी? चल खा। सुबह से भाग दौड़ कर रही है, अम्मा जी को भी पता नहीं क्या हो गया। एक साथ सारे काम याद आ रहे हैं उन्हें। पहले खा ले, फिर पढ़ाई कर लेना। हाँ महाराज जी, तुम भी खाओ। महाराज जी, तुम्हें पता है हम खाते खाते भी पढ़ सकते हैं? अच्छा बताओ, 10 और 11 कितने होते हैं? तू खुद पढ़ रही है या मेरी परीक्षा ले रही है? अरे ओ गंगा, इधर तो आ। रुक जाओ,
पहले थोड़ा खा ले, बाद में जाना। गंगा, ओ गंगा, तुझे सुनाई नहीं देता? अम्मा जी कब से बुला रही है? चल जल्दी से। हाँ हाँ जा रहे हैं ना। रुको, पानी पियो बेटा। इस बच्ची को सफलता देना। हरि गोपाल बोलो राधा रमण, हरि गोपाल बोलो राधा रमण, हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो राधा रमण, हरि गोपाल बोलो राधा रमण, हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो राधा रमण, हरि गोपाल बोलो राधा रमण, हरि गोपाल बोलो। तो आखिर इस औरत को अकेले में घेरने का मौका मिल ही गया हमें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण, हरि गोपाल बोलो राधा रमण, हरि गोपाल बोलो। हम चेतावनी देने आए हैं तुम्हें, भूल कर भी अपना मुंह मत खोल देना किसी के सामने, वरना हम क्या कर सकते हैं अब तक तो समझ में आ गया होगा, समझ लेना। कौन है वहां? मैं हूं। खीर लेने आई थी, लाती हूँ। अकेले में सुधा एक आदमी के साथ क्या कर रही थी? पता नहीं क्या हो गया सुधा को, चेहरा देखा उसका, अरे ऐसे घबरा गई थी मानो चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। राम राम राम, ये नहीं सोचा था हमने सुधा के लिए कभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पता ना रो क्यों रही है, क्या हुआ है सुधा? कुछ तो बता सुधा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ तो बोल सुधा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बता मुझे क्या हुआ है। वो आदमी अम्मा जी का नंबर पूरी नजर रखता है मुझे। जो रामायण का पाठ रखा था ना अम्मा जी ने, उसके पहले से देख रही हूँ मैं। बहाने बहाने से आता है, हाथ हाथ लगाता है मुझे, और उस दिन उसी मंदिर में उसने मुझे। सुधा तुम्हें तो खुश होना चाहिए,
एक भला आदमी मेहरबानी कर रहा है तुम पर। तुम्हारी इस मुरस्थ जिंदगी में थोड़ा सा रंग भरना चाहता है। कौन था बहन का दामाद? इतना घटिया आदमी, कीड़े पड़ेंगे उसे। ईश्वर उसे इस लायक भी नहीं छोड़ेगा कि वो किसी दूसरी औरत पर नजर उठाकर भी देख सके। पर सुधा, तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? धमकी देता है मुझे वो, हर बार धमकाता है, आज भी धमकाया उसने। नीलज कहता है कि औरत हो तो औरत की कई बात पर ना कोई आसानी से विश्वास नहीं करता, धमकाता है मुझे, धमकाता है। ये बात तो सही कही है उसने सुधा, उंगली तो लोग औरत पर ही उठाते हैं, उसी के चरित्र पर दाग लगाते हैं लोग। मर्द को कोई कुछ नहीं कहता, और ये भी तो बहुत कड़वी और सच्ची बात है सुधा। तू विधवा है, कम उम्र में अपना सुहाग खोया है तूने, लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। मेरी बात समझ रही है ना तू? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, मैं तो यही कहूंगी कि इस बात को आगे और मत बढ़ा, किसी से कुछ मत कहना। देख, जीवन में इतनी तकलीफ सही है, ये दर्द और अपमान भी, कड़वा घूंट समझकर चुपचाप पी जा, इसी में तेरी भलाई है। लेकिन क्यों पिशी मत औरत के साथ क्यों होता है ऐसे? सुधा जी, आप रो रही हैं? सुधा जी, क्या बात है आप मुझे बताइए, जरूर कोई बात है। देखिए, कोई ऐसी बात जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं, या फिर कोई ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए, आप मुझ पे विश्वास कर सकती हैं, बोलिए ना क्या बात है? कोई बात नहीं है, मैंने उसने कहा था ना आपसे कि मुझे भला क्या हो सकता है, कुछ पुरानी यादों ने घेर लिया था तो मन भर आया। पंडित को ही दे दूँ ना? कोई बहुत बड़ी बात है जो सुधा जी को परेशान कर रही है, कुछ तो है जो छुपा रही है। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? छोटी सी उम्र में कितनी समझदार है ये बच्ची, इसकी लगन देखकर हैरान हूं मैं। अपने आप को कितनी तकलीफ दे रही है, लेकिन सोएगी नहीं। मैं जाकर कहती हूँ, बहुत देर हो गई है, सो जाओ।
वो नहीं मानेगी। देखो उसे, आंखों में नींद भरी हुई है, चेहरे पर थकान, फिर भी लड़ रही है वो, क्योंकि इन तकलीफों को पार करके अपने सपने तक पहुंचना चाहती है गंगा। काश इसकी मेहनत रंग ले आए। बस कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा के लिए। ऑल द बेस्ट गंगा। पढ़ाई के पीछे बावरी हो गई है लड़की। अब कैसे समझाऊं इसे कि विधवा कितनी ही जतन क्यों ना कर ले, उसके जीवन में खुशियां कभी लौट कर नहीं आ सकती। सुहाग मिट जाने के बाद किसी भी औरत को सपने देखने का कोई अधिकार नहीं गंगा। जितनी जल्दी तू ये बात समझ लेगी ना, उतना ही अच्छा होगा तेरे लिए। तुम का है? क्यों नहीं, आज तुम्हारे जीवन का इतना बड़ा दिन है। अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें अपने हाथों से तैयार करती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपनी गंगा को आज खुद तैयार करूंगी। मैया की बिल्कुल याद नहीं है हमें, पर ये जानते हैं कि वो तुम भी जैसी होगी। तो फिर क्यों रोकती हो मुझे, करने दो मैया वाले काम। ये देखो बस बन गई, देखो तो जरा मेरी गंगा कैसी लग रही है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। माधवी, गंगा तैयार हुई है? नहीं, निकलना है हमें। बापू ये देखो, आज बहूजी ने हमारे बाल बनाए हैं। देखा मैंने तुम्हारे अंगूठे का क्या हाल है। काका कैसे लिखोगी? लिख लेंगे हम बाबू, बहुत अच्छे से लिख लेंगे। जल्दी चलो ना बाबा, देर हो रही है। चलो गंगा, चलने का वक्त हो गया है, तैयार हो ना। वेरी गुड, खूब अच्छे से परीक्षा देना। भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे और तुम्हें सबकी बुरी नजर से बचाए। सागर, विश नहीं करोगे गंगा को, इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही है। इसे मेरी विश की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो 10 बार बोल चुकी है कि हम पक्का पास हो जाएंगे। तो 11वीं बार भी बोल रहे हैं कि पक्का पास होके दिखाएंगे। चलो ना बाबा, नए सिलेबस की बुक लेनी है। बाबू हम अभी आते हैं, हमारे पापा और भगवान जी से आशीर्वाद लेना है ना।
सागर बेटा, गंगा तेरी हर चीज में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और तूने उसे विश भी नहीं किया। उसे मेरी जरूरत ही नहीं, तो मैं क्या करूं? चिंता मत करो माधवी, बच्चों का गुस्सा और झगड़ा सागर की लहरों जैसा होता है, उफान की तरह आता है और शांत होकर चला जाता है। आई नो सागर भी यही चाहता है कि गंगा अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए। बहुत बड़े स्कूल में जा रहे हैं परीक्षा देने, दाखिले के लिए तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। और भगवान जी, पापा के साथ साथ तुम्हारा भी आशीर्वाद चाहिए। बहुत मेहनत की है हमने, वो तो तुम्हारे हाथ में है ना कि पास करना है कि फेल। ज्यादा नहीं मांगते, बस इतने नंबर से पास कर देना, सागर के स्कूल में दाखिला मिल जाए।